देखिए हौदे में लेके तो बैठी है दीदू, इतना ढेर सारा चना मेरे लिए भी छोड़ दीजिए दीदू। हाँ देखिए वाला है, कब पहनना इसे दीदू? तुम्हारी शादी में। हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आपके अपनी विलेज ब्लॉगर शिखा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में 9 बजने वाले हैं। मैंने नहा के पूजा वूजा कर चुकी और आप लोग ना ये मत सोचिएगा मैंने उसी दिन वाला ड्रेस पहना है, मतलब ड्रेस तो वही है लेकिन आज मंगलवार है, उस दिन का ब्लॉग अलग था, ये वाला अलग है। तो दो ही मतलब ऐसे कपड़े हैं जिन्हें मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, ज़्यादा पहनती हूँ डेली डेली। अब क्या करूँ, ये गाँव है पता है, अलग अलग ड्रेस कैसे चेंज करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, काम भी रहता है और फिर कपड़े ही चेंज करने लगूंगी, फिर रेडी होंगी वीडियो बनाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए कौन तैयार हो डेली जैसे हैं वैसे वीडियो शूट हो जाए। और अभी मैं ना सब इधर ये देखिए, मैं ही नहीं इधर सब नाश्ता करने में जुटे हुए हैं। ये दीदू देखिए हौदे में लेके तो बैठी है दीदू, इतना ढेर सारा चना मेरे लिए भी छोड़ दीजिए दीदू। और हाँ खा रही हूँ, पहले चाय गर्मा देती हूँ, चाय गर्म कर लेती हूँ और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। चलिए चाय गर्माते हैं फिर चाय वाय पीते हैं, बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है ना। और खाने में क्या बनेगा आज, कढ़ी चावल रोटी। तो मैंने ना पता ये देखिए चावल ना पहले से ही पका दिया है, लाइट थी ना तो इंडक्शन में चावल मैंने पहले से ही पका दिया और अभी बस कढ़ी आज दीदू बनाएगी, है ना दीदू? हाँ, कढ़ी बनाओ ना। मुझे सर्दी बहुत हो गई है, ऐसे वाली हालत हो गई है। हाँ मम्मी दाल ही रही। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चाय गर्माती हूँ, आइए चलिए पीजिए और आइए ये लीजिए। सबसे पहले मैं खा लेती हूँ जलेबी, उसके बाद जो भी खाना होगा चना खाऊंगी, फिर चाय वाय पीऊंगी। सर्दी होने वाली है लगता है मुझे, तो गला फंस रहा है। क्या भैया खाओगे आप भी? दादी आपको भी खाना है क्या? हाँ थोड़ा सा। हाँ तो आई मम्मा मीठो कुछ भी खाती नहीं, ऐसे खिलाओ ना तो फिर ओके देंगी एकदम। हाँ ऐसे मैस करके मींस के मीठा मीठा खाती नहीं कुछ भी, मैं बेबी को खिला रही थी। ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, गुड़ वाली है पता है हमारे घर में सभी को फेवरेट है, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं, है ना दीदू? क्या हुआ? ये थी तो चना किस में रखे हैं? मैं उसी में मिला थी खाने में, कोई नहीं खा लेती हूँ, चना ही खाना है, ये बाउल थोड़ी ना खाना है मुझे, है ना? अब समझी हूँ जाके, अकल आती है लेकिन देर से। चाय चाय पीने की भी है लेकिन मेरे पास देसी वाला स्पून है ना, मैं इसी से खा लूंगी आराम से। बहन चाय भी पी लो, मैं जा रही हूँ चाय पीने, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और देखिए बहन के घर में कितना ब्रेड मिल रहा है मुझे, थोड़ी सी रखी है, दीदी आप सब खा लेना, मैंने कहा नहीं तुम भी खा लो। ये खाएंगे आप? ये नहीं सोचते कि इतना प्यार है, मैं बांध के खा रही हूँ। ये चाहेंगे आप? ये लीजिए ये लीजिए ये लो। अरे क्या करिए आप? क्या भैया खा रहे हो आप? सारा गिरा रही है खा रही है और कैसे टकमगाए जा रही है। अरे अरे बाय बाय कर रही है क्या? राधे राधे कर लीजिए, राधे 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 करिए, राधे राधे उधर देखो भैया, राधे 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 बाय कर रही है, बाय कर रही है, ऐसे बाय कर रही है, बाय कर रही है, वहां देखो ओरी बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए, बाय करिए, बाय करिए, आप सब लोगों से बाय हो रहा है, बाय बाय कर रही है, राधे राधे करिए, राधे राधे बोलिए, राधे 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 करिए, राधे 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 कर लीजिए, राधे 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 राधे। गिर जाएंगी ना, अच्छे से बैठे रहिए, गिर जाएंगी बेबी नानी जी पास, नानी जी पास। ये दे दो भैया मुझे, मोची जी ले लिया आपका, आपका ले ली मोची। अच्छा नहीं ये लो पकड़ो, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी खा लो, खा लो, सारा मसल के गिरा देती हूँ ना। भाई भाई सारा दिन आप बाय करते हो क्या? मेरे लिए पता है चाय नहीं बची थी इसलिए मैंने दीदू मेरे से पाव अपनी खा ली है, अब दीदू को दे रही हूँ, दीदू भी खा लेंगे इसे। अरे भैया खा ली, मैं खा ली हूँ। हाँ खा ली हूँ।
ये जूजू भैया ये खा लेगा खा लेगा। आई आई मम्मी इनका लाई जा। ए मम्मी लाई जा, बहुत परेशान कर रहे थे। आ भैया ये बहुत चिमिल्ली गंदी हवा जाता नहीं खा रही ना। गंदा गंदा बच्चा और उधर दीदी बना रही है अभी नाश्ता वास्ता। हम लोग करने के बाद मैंने ना सारा बर्तन सारा कपड़ा साफ किया और हमारे यहाँ ना पता है बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मैं दिखा रही हूँ मतलब इतनी जोरों से तो नहीं हुई लेकिन हो रही थी। कीचड़ वगैरह हो गया, ये देखिए गीला गीला सा। आने जाने के लिए रास्ता जो भी होता है ना वो गीला हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बादल है अभी बहुत ही ज़ोरों से। दो तीन दिन से ना भगवान एकदम परेशान करके रखे हैं। अभी सूखेगा तब ना हमारा प्योर मिट्टी वाला घर है, मिट्टी उट्टी लगाएंगे। दीपावली आने वाली है, भगवान कुछ समझते ही नहीं। जब देखो तब बारिश कर देते हैं पूरा सब जगह। मतलब इतना ज़्यादा गीला है कि मिट्टी कैसे लगाया कुछ समझ में नहीं आता। और नवंबर में है दीपावली तो मिट्टी भी लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। पूरा बाहर तक हम लोगों को मिट्टी लगाना पड़ता है, इसलिए बारिश निकल जाएंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं कैसे समझाऊँ भगवान को। ये चलते हैं अंदर। बहुत अच्छी वाली महक आ रही है दीदू। ये देखिए पकौड़े निकालो कितनी जल्दी जल्दी बस निकाल लीजिए खूब। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पकौड़े निकाले हो दीदी आप तो। कढ़ी में डालना है ना। अच्छा मुझे नहीं मिलेंगे? ले लो एक दो खा लो। हाँ सही बात है। पता है पकौड़े वाली कड़ी ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जब खूब ज्यादा पकौड़े होता है ना उसमें खाओ चावल में सानो। अच्छा अच्छा सीखा को मैं आप लोगों को बताऊँ सीखा को कैसी पकौड़ी पसंद है। जब कड़ी निकालेगी ना तो पकौड़े पकौड़े वाली कड़ी निकाल लेगी और कड़ी में पकौड़े ही नहीं दूसरे को खाना हो तो कड़ी खाए। बाबू बहुत ज्यादा डांटता है जब उसके कड़ी में ना एक भी पकौड़े नहीं होते। मैं सारा निकाल के खा जाती हूँ। बहुत ज्यादा समझ जाता है कि मैं ही निकाली हूँ। फिर वो मुझ पे ही चिल्लाता है, मुझ पे ही मतलब उखड़ जाता है। यह मतलब सारा पकौड़ी निकाल खाए हुए। अभी तो वो स्कूल गया, मैं सुबह उसको भेज दी टिफिन उफिन बना के। जब आएगा तब ऐसे ही बोलेगा तो आज नहीं खाऊंगी। आज आप लोगों से मैंने बता दिया इसलिए मैं मुझे पता है आप लोग बता देंगे, चीटिंग हो जाएगी फिर। मतलब मैं नहीं खाऊंगी आज, निकाल के नहीं खाऊंगी पक्का। मैं ले लेती हूँ पकौड़े। ले लो दीदू, ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि अभी ना उसमें भी खाना है, ज्यादा जल भी रही है। ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़े, बहुत ज्यादा गर्म है अभी तो। जी चले जा रहे हैं पकौड़ी के लिए, गर्म भी है। दीदू कितना ज्यादा पसीना पसीना बहुत दिख रहा है पसीने से, कपड़ा मेरा गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, क्या करूं। चटनी तो बनी नहीं है, कढ़ी के लिए बनी थी लेकिन मैंने लेके खा लिया इसे, इसलिए बिना चटनी के पकौड़ी थोड़ी सी कम टेस्टी है। ऐसा सबके घर में होता है सीखा, जब कढ़ी बनती है ना तो पकौड़े लेके सब लोग खा लेते हैं। सही बात है, चाहे तो ही चार खाएंगे लेकिन खाएंगे जरूर है ना। अच्छा एक बात मैं पूछूं आप लोगों से, ऐसा किसके किसके घर पे होता है जब पकौड़े खाने का ना सबका बहुत ज्यादा मन होता है और बेसन खत्म हो जाता है, उस टाइम पे क्या करते हैं? आटे की पकौड़ी बनती है कि नहीं पक्का बताइएगा, है ना दीदू? हाँ बन जाती है, क्यों नहीं। देखिए कभी कभी ना मैं भी बना लेती हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ। शर्माइएगा नहीं, बता दीजिएगा आराम से। मैं अपना ही आप लोगों को समझती हूँ इसलिए मैं अपनी घर की बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग भी करिएगा एकदम आराम से, बेझिझक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आटे की पकौड़ी बनती है कि नहीं, और वो भी टेस्टी आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेसन अलग ही बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी आती है। ये लीजिए आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। पकौड़ी वाली कढ़ी है इधर, आइए खाइए आप लोग भी मेरे साथ। दीदू चला खाना खा ला, मस्त बढ़िया एकदम टेस्टी वाली कड़ी बनी है दीदू। खाना मैंने खा लिया एकदम फुल पेट, और अभी बनानी है थोड़ी सी रोटी, बस थोड़ी सी ही बनानी है क्योंकि जब कड़ी बनती है ना तो सब लोग बहुत ज्यादा कड़ी चावल खाते हैं
मतलब रोटी थोड़ी ही लेते हैं लेकिन बनानी पड़ेगी फिर भी, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम है वो ख़त्म करती हूँ। और पता ही ये देखिए, दीदू ना बैंगल्स मंगाई थी और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पहन के ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ। और अभी कम लाइट की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये मैं एक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पता है इसमें क्या लिखा है? अभी इसमें तो मिरर वाला है ना तो उल्टा आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन इसमें ना सदा सौभाग्यवती भाव लिखा है, बहुत ही प्यारा है दिखने में ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना अट्रैक्टिव है, कोई भी इसको ना खरीद लेगा एकदम, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी पूरा पहन लेगी ना तो मैं दिखाऊँगी। और दीदू कितना प्यारा लग रहा है, एक नंबर का लग रहा है। यही दोनों मैंने मंगवाया है, आप लोग बताइएगा कैसा है, एक ये वाला और एक ये वाला है। सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, पूरा हाथ भर, ये ना सोचिएगा कि साथ में ये अलग, एक ये अलग है, इसका नहीं पहनी, इसका नहीं पहनी, इसका ये रखा हुआ है और इसमें ये रखा हुआ है। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है दीदू, प्यारा लग रहा है ना। और एक ये वाला है, कब पहनना इसे दीदू? तुम्हारी शादी में। हाँ। देख लीजिए ऐसे ही मजाक करती रहते हैं। अरे मतलब अभी मंगाई है, जब होगी तब होगी, मेरी शादी अभी कहाँ होती जा रही है ना। अच्छा करवा चौथ आने वाला है। हाँ समझी, करवा चौथ के लिए है, बढ़िया है भाई, महंगे भी होंगे है ना दीदू, जिस हिसाब से अच्छा है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, और चैनल को मेरे सामने सब्सक्राइब करिए, आप लोग भूल जाते हैं मुझे पता है, तो अभी अभी करिए मेरे सामने, और साथ में वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कर दिया करिए कभी कभी, मैं डेली नहीं बोलती शेयर करने के लिए, आप लोग खुद ही देखते होंगे तो कर दीजिएगा कभी कभी। और मिलते हैं फिर किसी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।